दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई एक ऐसी नेचुरल रेमेडी, एक ऐसे आयुर्वेदिक तेल जो कि आपके सफेद बालों को पूरी तरीके से नेचुरली काला करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों सर्दियां पड़ रही हैं तो ऐसी सर्दी में ना ही हम मेहंदी लगा सकते हैं ना ही डाई, क्योंकि इनको 2 घंटे तक अपने बालों में लगाना होता है और सर्दियों में यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक नेचुरली तेल लेके आई हूँ दोस्तों, जिसे अगर आप 2 बार भी लगाते हैं तो 2 बार में ही आपको आपके बालों में गजब का बदलाव देखने को मिलेगा। आपके बाल धीरे धीरे नेचुरली काले होने लगेंगे, साथ के साथ आपकी हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा, अगर आपको किसी भी तरीके की डैंड्रफ है उसे भी पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। दोस्तों चलिए जानते हैं इस रेमेडी को हमें किस तरीके से बना के तैयार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ली हुई एक कढ़ाई, इसमें मैं यहाँ डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आप चाहे तो बादाम का तेल भी ले सकते हैं, जो ऑयल आप यूज करते हैं वही ऑयल आपको लेना है। दोस्तों कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है यह आपको देख लेना है। तो मैंने यह लिया हुआ है सरसों का तेल। और दोस्तों सेकंड स्टेप हम यहाँ यूज करने वाले हैं कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल हमारी जो हेयर की ग्रोथ है उसे काफी हद तक प्रमोट करता है, हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अंदर फुल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिंस पाए जाते हैं, जो कि हमारी जो हेयर की ग्रोथ है इसको काफी हद तक प्रमोट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इतनी क्वांटिटी में जो सरसों का ऑयल लिया है इसमें मैं यहाँ ऐड करूंगी 2 टीस्पून कस्टर्ड ऑयल। दोस्तों यहाँ पे हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो रहा है, जब तक हम आगे की प्रोसेस को देख लेते हैं हमें रेमेडी किस तरीके से बना के तैयार करनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ ली हुई एक लोहे की कढ़ाई, आप चाहे तो नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें मैं यहाँ डालूंगी आंवला पाउडर। आंवला पाउडर के बेनिफिट्स काफी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, इसके अंदर 100 से भी ज्यादा गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों की डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ के साथ आपके बालों को नेचुरली काला करने में आंवला बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दोस्तों आप डेली में अगर 2 से 3 आंवला भी खाते हो डेली तो भी आपके बालों में काफी बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ हम डाल लेते हैं 2 चम्मच आंवला पाउडर। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो दोस्तों हिबिस्कस पाउडर, गुड़हल की पत्तियों का पाउडर। दोस्तों मेरे आसपास गुड़हल का पाउडर, मुझे जो गुड़हल का फूल होता है वो मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने लिया है ऑनलाइन गुड़हल का पाउडर। अगर आपको आपके आसपास गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आपको 3 से 4 गुड़हल की फूल को तोड़ के इस रेमेडी में डाल लेना है। अगर नहीं मिलता तो हिबिस्कस पाउडर ये आपको ऑनलाइन इजिली मिल जाएगा, 100 से 125 रुपये का काफ़ी बड़ा डिब्बा आता है, तो आपको इसको परचेज करना है। यहाँ हमें ऐड करना है 2 टीस्पून हिबिस्कस पाउडर। दोस्तों इसके बाद हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम जो है उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों ऑयल की जो तासीर थी वो गर्म थी और इससे आंवला पाउडर में हिबिस्कस पाउडर में बहुत ही अच्छी गुडनेस इससे आ जाएगी। आपको तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, इसके बाद इसे ढक के ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों ओवरनाइट रखने के बाद सुबह मॉर्निंग में हम देख लेते हैं हमारा ऑयल बनके रेडी है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी कांच का कंटेनर और इस ऑयल को पूरा उसमें निकाल लेना है। लेकिन दोस्तों इसे यूज करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले इस ऑयल को हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ऑयल हमारा निकल के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, जब इसे बालों में यूज करेंगे तो इसे हमें हल्का गर्म करना है, लेकिन गर्म आपको इसको डायरेक्ट नहीं करना। अगर आप इसे गैस पर डायरेक्ट गर्म करते हैं तो इसकी जितनी भी तासीर होगी वो पूरी ही नष्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको एक पानी लेना है, उसे अच्छे से बॉईल करना है। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है, इस जो कांच का बर्तन है इसे उसमें डाल देना है। इससे उसकी जो गर्म तासीर होगी, पानी जो गर्म होगा उससे हमें इस ऑयल को गर्म करना है। इसके बाद आपको इसे अपनी जड़ों पर, अपने स्कैल्प पर अच्छे से इसकी मसाज करनी है। इस ऑयल को अच्छे से अपने बालों में लगा लेना है। अब बात करते हैं इसे कितने टाइम तक लगाना है। तो आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, या फिर जब शैम्पू करने जा रहे हैं उसे 2 घंटे पहले भी आप इसे लगा सकते हैं। वीक में 2 टाइम्स लगाने से हेयर की सारी प्रॉब्लम जो भी होंगी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। आप इसे ट्राई कीजिएगा, एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।